बिहार के भोजपुर जिला के तरारी ब्लॉक के ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए आज जाप के युवा नेता रितेश कुमार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस धरना को समर्थन देने जाप के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह, प्रदेश के नेता कमलेश तिवारी, जाप के युवा नेता रघुपति यादव के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा सहित तमाम तरारी प्रखंडवासी इस जनहित के लड़ाई में इनके साथ देने के लिए और भूख हड़ताल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तरारी पहुंचे थे। जनहित में इनकी मांगे निम्न प्रकार हैं: दाखिल खारिज परिमार्जन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लेना बंद करो, ब्लॉक में किसानों के बीज खाद की समुचित व्यवस्था हो तथा आम आवाम तक सरकारी बीज उचित मूल्य पर दिया जाए, किसानों का धान सरकार द्वारा निर्धारित MSP पर खरीदा जाए, मनरेगा कार्य में धांधली मजदूरों की भकमारी बंद हो, तरारी में छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के कर्मचारी और अधिकारी जनता से अच्छे से पेश नहीं आते हैं, ये अफसरी का नाश हो, नहर का करहा की मरम्मत हो तथा नहर के पानी को खेतों तक ले जाने की व्यवस्था हो, तो पूरा और तरारी के दलित समुदाय का सियाना उजाड़ने का आदेश वापस लो। तरारी प्रखंड परिसर दुग्ध भवन बलकुलर शीघ्र चालू करो। इन सारी मांगों को लेकर पूरे प्रखंड में इसके पहले नितेश कुमार ने भ्रमण किया है, तब उन समस्याओं को लेकर आज से तरारी ब्लॉक पर धरना पर बैठे हैं। देखते हैं सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हम हर अपडेट आपको देते रहें। लेकिन कैसे जरूरत बुझाई जाए कोशिश करके खड़ा होता हो गई मुखिया के चुनाव में नॉमिनेशन नहीं ले जाता है आज बन गया मेरे घर से सब कोई अपना चुका लेकिन क्यों नहीं लोग हो जाता कि हाउ जाती है हाउ जाती हो जाती है इसाई में वो पहले बोला ना कि गर्लफ्रेंड के हाथ देखे घुमाने वाला उम्र रहा लेकिन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसे कर लेते क्यों कि वचन बोलन तो मुद्दा उठने पड़े कि एक खाती मतलब बहुत जवाब बुलाएंगे तीसरी बार उनको करना ही पड़ेगा लेकिन हम सभी जो है एकजुट होकर नहीं जाते हैं एकजुट होने की जरूरत है कैसे नहीं करेगा हमारे पैसे से वो जीता है हमारे पैसे से उसको पेमेंट मिलता है और वो जो है हमारी जो है बात नहीं सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा कर्मचारी जो है बस सलूकी करते हैं कर्मचारी की इतनी हैसियत नहीं है जो बस सलूकी करेगा लेकिन अगर हम मिल के जाएं हम लोग एक टीम में जाएं उसकी हिम्मत नहीं होगी तो हमें जो है एकजुट होने की जरूरत है अगर कोई पहल कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है हमको उसका साथ देने का जरूरत अगर हमारे छोटे भाई या आप सभी ग्रामीण किसी कार्य के लिए जाते हैं अगर वो काम नहीं होता है ठीक है हमारे छोटे भाई से नहीं होता है लेकिन छोटे भाई हमको बताएगा इस चीज को जो है हम लोग आरा में रखेंगे DM के पास रखेंगे होगा कैसे नहीं अगर हमारी बातों को भी इग्नोर किया जाएगा तो इस बात को जो है हम आगे रखेंगे हम अपने पार्टी के अध्यक्ष के पास जाएंगे बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है होगी क्यों नहीं लेकिन इसमें जागृत होने की जरूरत है अगर आप सभी जागृत नहीं होंगे तो फिर जो है उनका मारखाना ऐसे ही चलता रहेगा।